गुड मॉर्निंग बच्चों, चैप्टर टू वन और वर्णमाला जो हम पढ़े थे उसका जो आधा पढ़े थे, आज हम आगे पढ़ेंगे। क्या पढ़े थे हम? मात्रा पढ़े थे। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं पढ़े थे? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। देखो आज हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन, मतलब संयुक्त वर्ण। देखो वर्णमाला में दी गई चार संयुक्त व्यंजने होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। ये चार क्या होते हैं? संयुक्त वर्ण होते हैं। देखो के अतिरिक्त हिंदी में अन्य व्यंजन भी मिलाकर लिखते हैं, उसके अतिरिक्त भी अन्य व्यंजन मिलाकर लिखते हैं। जब दो व्यंजन मिलकर लिखते हैं तो उनके बीच के स्वर का जो लोप हो जाता है, जब दो व्यंजन को मिलाकर लिखते हैं तो उनके बीच जो स्वर वर्ण होता है उसका लुप्त हो जाता है, मतलब उसको नहीं लिखते। यानी पहला व्यंजन अरहित होता है उसे दूसरा व्यंजन असहित लिखते हैं। मतलब पहला व्यंजन को अ में नहीं लिखते, पहला व्यंजन जो होता है उसे अ नहीं लगाते और दूसरा व्यंजन को अ लगाकर लिखते हैं। जैसे देखो जिन्हें व्यंजन में बड़ी खाड़ी पाई होती है उसे दूसरे व्यंजन में के साथ संयुक्त करके समय पाई हटा दी जाती है। देखो गन्ना, न में एक जो होता है बड़ी खड़ी पाई, जो गन्ना में ये न में एक ठो ये बीच में होना चाहिए स्टैंडिंग लाइन, ये है क्या? नहीं है। देखो बस्ता, बगी, प्याज, इस सब में दो ठो व्यंजन वर्ण को मिलाकर लिखे हैं कि नहीं? ऐसे क, फ, दो ऐसे व्यंजन है जिसके पीछे गुड्डी हटा दी जाती है। गुड्डी मतलब और आगे जो थोड़ा नहीं लिखते क में और फ में उसे हटा दिया जाता है। देखो जैसे मक्का, भक, चक्की, मक्खी, ये सब हटा दिए जाते हैं। देखो ड, छ, ट, ठ, ड, ढ, द, ह, व्यंजन को अरहित रूप में ही लिखा जाता है, जैसे लिखना होता है वैसे ही लिखते हैं, या दूसरे व्यंजन के साथ संयुक्त करके समत हलांत लगाकर लिखते हैं, नहीं तो हलांत लगाकर, जैसे लट्टू, कद्दू, चिट्ठी, लड्डू, ये सब हलांत लगाकर लिखे हैं कि नहीं? देखो उसके बाद द्रवित्र व्यंजन, जब दो समान व्यंजन परस्पर मिलते हैं तथा उसमें पहला व्यंजन का स्वर सहित तथा दूसरा व्यंजन स्वर रहित है तो उन्हें द्रवित का रूप कहा जाता है। मतलब दो एक जैसे व्यंजन, मतलब क और क, ख और ख से जो मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं? द्रवित व्यंजन। जैसे कक, पक्का, मक्का, चक्का, ये तत, पत्ता, सत्तर, सत्ता, ये देखो च, बच्चा, सच्चा, कच्चा, ये देखो गुब्बारा, धब्बा, गब्बर, अम्मा, चम्मच, सम्मान, ये सब। देखो ड, ड और ढ, ढ का प्रयोग कैसे होता है? देखो ड और ड तथा ढ, ढ में प्रत्येक प्रयोग में अंतर होता है। जैसे ड में डमरू, डलिया, पंडित, डपली, ढक्कन, दीवार, लेकिन ड में सड़क, बड़ा, पेड़, चढ़ना, पढ़ना, बढ़ना, ये सब देखो अलग अलग है कि नहीं? ये जो वार्ड है वो अलग है, ये जो वार्ड है अलग है। ऐसे ये जो बिंदु लगता है ड और ढ में ये भी अलग अलग हो जाता है। र के विविध रूप, यदि र में स्वर रहित हो तो वह अपने से अलग व्यंजन के रूप लगता है, जैसे धर्म ऊपर जो ऐसे रहता है, वर्ष देखो दर्द ऐसे होता है। जब र पाई बोले स्वर रहित व्यंजन से जो को साथ जुड़ता है तो वह उसके नीचे लगता है। जो देखो बच्चों ये बाद में लगता है तो
क्या होता है, ऊपर रेफर हो जाता है। ये पहले लगेगा तो क्या होगा, क्रम प्रभात भ्रम। देखो उसके बाद र स्वर ही ट्र ड्र व्यंजन के साथ जुड़ा जाता है। ऐसे भी र को तीन प्रकार से लिखते हैं, देखो ट्रक ट्रेन ड्रम ड्राम, ये तीन प्रकार से लिखे कि नहीं। र के साथ उ की मात्रा लगाकर बनता है, जैसे रुपया रुचि, ये सब र के साथ। ये रू के साथ रूप रूखा अमरूद ये सब होता है। देखो वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं, शब्द में शामिल वर्ण को अलग अलग दर्शाना उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। शब्द में जो स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण जो होते हैं उसको अलग अलग दर्शाने को क्या बोलते हैं, वर्ण विच्छेद बोलते हैं। देखो अमृत अ म रु त अ अमृत हो गया, कसौटी क अ स औ ट ई कसौटी स अ क त ई शक्ति। देखो हमने क्या सीखा, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्ण का क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रम वर्ण को जब क्रम में लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के दो भेद हैं, वर्ण के कितने भेद हैं, दो भेद, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अ को अनुसार, अ के अनुनासिक तथा अत को विसर्ग कहते हैं। शब्दों में शामिल वर्ण को अलग अलग दर्शाने को वर्ण विच्छेद कहते हैं।